बच्चों, पिछली बार हमने शब्द के कुछ भेदों के बारे में आपको जानकारी दी थी और आज हम शब्द के कुछ अन्य भेदों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुछ भी बताने से पहले हमने पिछली बार जो कुछ भी आपको बताया था हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? जी दीदी। बिल्कुल ठीक है। श्रेया, सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, पिछली बार हमने शब्द के किन किन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी? पिछली बार हमने शब्द के तीन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिल्कुल सही। क्या इसने सही बोला? जी दीदी। ठीक है, अब विलोम शब्द के लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे साक्षी, कि आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। बिल्कुल सही। श्योकी, हम आपसे प्रश्न पूछे जी दीदी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित, अनेक जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। अनंत, बिल्कुल सही। अब हम पढ़ते हैं शब्द के अन्य भेदों के बारे में। ठीक है, अनेकार्थी पहला भेद है शब्द का। कौन सा भेद? अनेकार्थी। नीलांश, अनेकार्थी का अर्थ क्या होता है? दीदी, अनेक अर्थ। बिल्कुल सही। जिसका अर्थ अनेक हो उसको हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द होंगे और उसके अर्थ अनेक होंगे। जैसे एक फल है आम, ठीक है, आम का अर्थ क्या हुआ? आम फल का नाम है। फल का नाम है। कैसा होता है आम खाने में? मीठा। बहुत मीठा होता है। सब बच्चों को पसंद है? जी दीदी। बिल्कुल ठीक है। तो आम एक फल का नाम है। अगर हम कहें कि मैं एक आम इंसान हूँ तो क्या मैं आम हूँ? नहीं दीदी। मैं क्या हूँ गोविंद? साधारण। हाँ, तो यहाँ पे आम का अर्थ क्या हुआ? साधारण। तो आम के दो अर्थ हो गए। जी दीदी। कौन कौन से? एक फल का नाम और एक साधारण। तो इस तरह से हम इन शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द में और एक शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हमें? मतलब। अर्थ का अर्थ होता है मतलब। और एक अर्थ होता है कि भारत हमारा देश है और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति से क्या मतलब हुआ? धन से तात्पर्य है हमारा। तो अर्थ के भी दो अर्थ हो गए, कौन कौन से? धन और मतलब। एक और शब्द हम ले कनक। कनक का एक अर्थ होता है सोना। कौन सा सोना? आंखें बंद करके नींद में सोना? नहीं, आभूषण। जैसे कि गले का हार, कान के आभूषण, वो स्वर्ण कहलाता है सोना। तो कनक का एक अर्थ क्या हुआ? सोना। और कनक का दूसरा अर्थ जानते हो बच्चों क्या होता है? जी दीदी। बताइए। धतूरा। बिल्कुल सही। कनक का दूसरा अर्थ धतूरा हुआ। तो एक शब्द के दो अर्थ हो गए। तो ये शब्द क्या कहलाए? अनेकार्थी शब्द कहलाए। अनेकार्थी शब्द में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा देखो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जी दीदी। बिल्कुल सही। अनेकार्थी में हम कुछ शब्द और लेंगे, जैसे एक शब्द है उत्तर। ठीक है, अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आपने उसका क्या दिया? उत्तर का अर्थ क्या हुआ? जवाब हुआ। बिल्कुल ठीक। और अगर हम कहें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पे भी उत्तर एक शब्द आ रहा है। जी। तो गोविंद क्या बता सकते हैं यहाँ पर उत्तर शब्द का क्या अर्थ हो रहा है? दिशा। बिल्कुल सही। उत्तर शब्द का अर्थ हुआ दिशा। तो उत्तर के दो अर्थ हो गए, कौन कौन से? दिशा और जवाब। अब यहाँ पे और एक शब्द आता है काल। काल के दो अर्थ है समय और मृत्यु। वैसे ही एक शब्द आ रहा है कल। कल के भी दो अर्थ हो गए, आने वाला कल और बीता हुआ कल। जैसे हम कहते हैं कि मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है, और फिर हम ये भी कहते हैं मैं कल दिल्ली गया था। दोनों वाक्य में हमने कल का प्रयोग किया लेकिन दोनों कल का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो अनेकार्थी शब्द का अर्थ सबको समझ में आया? जी दीदी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा भेद है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम किसे कहते हैं?
और तद्भव किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानो कि हमारी भाषा हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, क्या तुम्हें पता है? जी दीदी। जी दीदी। बताइए तो। संस्कृत भाषा से। अरे वाह, बच्चों को तो बहुत कुछ मालूम है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। बिल्कुल, तुम लोगों की जानकारी बहुत अच्छी है। संस्कृत से कुछ शब्द ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है? और ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संस्कृत के ही होते हैं उन्हें हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अश्रु, एक शब्द आता है अश्रु, ठीक है? ये शब्द क्या है मालूम है तुम्हें? जी दीदी। हाँ, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहेंगे। तो देखो, तत्सम शब्द की परिभाषा हुई, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही। और कोई उदाहरण, दो तीन उदाहरण तुम लोगों में से क्या कोई बता सकता है कि तत्सम शब्द के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? दीदी। हाँ बोलिए। अश्रु। हाँ, और कोई बता सकता है? नयन। और नेत्र। नेत्र। कटु, एक शब्द आता है कटु, हम कहते हैं ना कि वो बहुत ही कटु बोलता है। कटु का अर्थ मालूम है क्या होता है? कड़वा। लेकिन यहाँ पे कटु शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। क्यों तत्सम शब्द कहलाता है, क्या कोई बता सकता है? नीलांशा बता सकते हैं कि तत्सम शब्द कटु क्यों कहलाया? क्योंकि वो संस्कृत शब्द है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है इसलिए इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके ठीक उल्टा तद्भव होता है, जिन शब्दों को हम संस्कृत से बदलकर हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द आया था अश्रु, तत्सम शब्द था अश्रु। अश्रु को अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसका रूप बदलकर? आंसू। आंसू। तो आंसू शब्द क्या हुआ? हिंदी। तद्भव शब्द कहलाया। आंसू शब्द क्या कहलाया? तद्भव शब्द कहलाया। तो तद्भव की परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण तत्सम से ही मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनका रूप बदल जाता है। जैसे अश्रु का आंसू, कर्म का काम, कटु का कड़वा, सूर्य का बता सकते हैं? सूरज। और आप लोग किस वर्ग में हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं? पांचवी कक्षा में। पांचवी कक्षा को संस्कृत में क्या कहते हैं बता सकते हैं आप लोग? जी दीदी। बताइए तो साक्षी। पंचम कहते हैं। तो पंचम कौन सा शब्द हो गया हमारा? तत्सम शब्द हो गया। और उसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पांच। पांच। तो पांच क्या हो गया, कौन सा शब्द कहलाया? तद्भव शब्द कहलाया। तो तत्सम और तद्भव सारे बच्चों को समझ में आ गया? जी दीदी। बहुत अच्छी तरह से। जी दीदी। अगर हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, आप बता सकेंगे? जी दीदी। ठीक है, ऐसे ही ध्यान पूर्वक पढ़ने से हमें कभी भी किसी भी विषय को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पड़ती है? नहीं दीदी। बिल्कुल। अब शब्द के तीसरे भेद पर हम आए। तीसरा भेद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? हाँ सोनी, आप बताइए श्रुति का क्या अर्थ होता है? सुनना। श्रुति का क्या अर्थ हुआ? सुनना। सम का मतलब क्या होता है? समान। भिन्न का अर्थ क्या होता है, ये कोई बता सकता है? शोकी आप बताइए भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग। भिन्न का क्या अर्थ हुआ? अलग। तो श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि वैसे शब्द जो सुनने में तो समान लगे लेकिन इनका अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसको हम शब्द युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द युग्म। बिल्कुल सही, इसे हम शब्द युग्म कहते हैं। और इसकी परिभाषा देखो, ऐसे शब्द युग्म जो सुनने में एक समान लगे परंतु उनका अर्थ भिन्न हो उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द
कहते हैं। शुद्ध संघ भिन्नार्थक शब्द के कुछ उदाहरण हम आपको आज बताएंगे। जैसे एक शब्द है अविराम। किसी को पता है कि अविराम का अर्थ क्या होता है? लगातार। बिल्कुल सही, अविराम का अर्थ लगातार होता है। लेकिन इससे मिलता जुलता एक शब्द और भी है, अभिराम। हमने शब्द थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा बदल दिया। व को हमने क्या बदल दिया? व को भा में बदल दिया, अभिराम। तो अभिराम का अर्थ क्या हो गया? सुंदर। अरे वाह, सारे बच्चों को इसका अर्थ मालूम है? जी जी। क्योंकि हम कहते हैं ना, कितना नैनाभिराम दृश्य है, ठीक है, नैनो को सुंदर लगने वाला दृश्य है। तो अभिराम का अर्थ क्या हो गया? सुंदर। और अविराम का अर्थ क्या हुआ? लगातार। वो अविराम पढ़ता रहा। यहाँ पे क्या है? वो लगातार पढ़ता रहा। तो अभिराम और अविराम के अर्थ में अंतर आया? जी दीदी। इसी को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो सुनने में तो एक समान लगते हैं और जिनका अर्थ अलग अलग होता है। वैसे ही एक शब्द है ग्रह, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आता है गृह। ठीक है, ग्रह और गृह के अर्थ में अंतर है? जी दीदी। क्या कोई बता सकता है कि गृह का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमने पर्यायवाची शब्द में गृह पढ़ा था। कोई बता सकता है? साक्षी आप बताएंगी, गृह का अर्थ क्या होता है? घर। जोर से बोलिए, घर। घर होता है। और ग्रह का अर्थ श्रेया बता सकती है? नक्षत्र और तारे। बिल्कुल सही। तो ग्रह और गृह में बहुत ही बाल बराबर अंतर होता है, लेकिन अर्थ में कितना ज्यादा अंतर हो जाता है? बहुत अंतर हो जाता है। तो हमें बोलने में इन अंतर को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ताकि हमारी भाषा अशुद्ध ना हो। तो ग्रह और गृह का अंतर स्पष्ट हुआ? जी दीदी। बिल्कुल ठीक है। अब एक शब्द और आता है अनल और अनिल। इसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है। ई की मात्रा लग गई तो शब्द थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन सुनने में एक जैसा लगता है। कौन कौन से शब्द हो गए? अनल और अनिल। गोविंद, क्या तुम बता सकते हो कि अनल शब्द का अर्थ क्या होता है? अनल शब्द का अर्थ आग होता है। अनल शब्द का अर्थ क्या होता है? आग होता है। सबको मालूम है? जी दीदी। और अनिल का अर्थ होता है हवा। मल या नील कहते हैं, चंदन से आती हुई हवा को हम मल या नील कहते हैं। तो अनिल का अर्थ क्या हुआ? हवा। हवा। तो अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ हवा। तो क्या आग और हवा एक जैसे हैं? नहीं दीदी। बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनके शब्द क्या हैं? थोड़े थोड़े से मिलते जुलते हैं, अनल और अनिल। सबको इस शब्द के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? जी दीदी। तो अब हमने जितना कुछ भी बच्चों आप लोगों को बताया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। क्या आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं? जी दीदी। बिल्कुल। आप सब लोग तैयार हैं? जी दीदी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बताएंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? शोकी आप बताइए कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्द। अनेक शब्द जिनके अर्थ एक होते हैं? जी दीदी। जिनके शब्द अनेक अर्थ, जिनके शब्द बहुत होते हैं। हाँ गोविंद, तुमने बिल्कुल सही कहा, जिनके शब्द अनेक, ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम कुछ आपसे अनेकार्थी शब्दों के बारे में पूछेंगे, ठीक है। जैसे आम एक शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। नीलांश, क्या आप बता सकते हैं कि आम के अलग अलग अर्थ कौन कौन से होते हैं? एक आम होता है एक फल। हाँ? और दूसरा आम साधारण। बिल्कुल। क्या इसने सही बोला? जी दीदी। बिल्कुल, इसका मतलब सबने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है, ठीक है। अब हम आते हैं तत्सम और तद्भव शब्द में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं सोनी? जिसका एक संस्कृत में एक अर्थ होता है। संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और गोविंद, तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं? जो संस्कृत में, संस्कृत के शब्द हिंदी में परिवर्तित। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह से बोला तुमने कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम कुछ संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों के बारे में आपसे पूछेंगे और आपको उसका तद्भव शब्द बताना होगा। तैयार हैं आप सब के साथ? जी दीदी। बिल्कुल ठीक है।
कटु एक शब्द है, ये कौन सा शब्द है, तद्भव है या तत्सम है? तत्सम। तत्सम है, ठीक है। और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कड़वा। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से सबको मालूम है। अब एक शब्द और हम ले, पंचम। गोविंद क्या बता सकते हैं कि पंचम शब्द का अर्थ क्या होता है? पांच। पांच। तो इस तरह से आपने इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही शब्द युग में है एक मिलते जुलते शब्द, ग्रह और गृह। श्रेया आप बताएंगे कि ग्रह और गृह में क्या अंतर है? ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और तारे, परंतु गृह का अर्थ होता है घर। बिल्कुल सही। इसका मतलब सबने बहुत अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ा है, समझा है और जाना है।